नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल और मैं हूँ आते सिंह। वीरकोर सिंह विश्वविद्यालय के बीकेएसयू पीजी विभाग समेत सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र संगठन का चुनाव किया गया। इसके लिए 207 मतदान केंद्र बनाए गए। आपको बताते चले कि बिहार में राज्यपाल के आदेश के बाद पूरे राज्य में विश्वविद्यालय व कॉलेज स्तर छात्र संगठन चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। वही चुनाव को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। 17 कॉलेजों के 19,870 छात्र मतदान में भाग ले रहे हैं। छात्र संघ के लिए 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल तक चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, काउंसिल मेंबर के लिए कुल 820 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विभिन्न पदों के लिए कुल 1,598 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतगणना 19 को विश्वविद्यालय कराई जाएगी। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावे मजिस्ट्रेट, पुलिस दंडाधिकारी व पुलिस बल के जवान भी मौजूद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर पारस राय ने बताया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों समेत पीजी विभागों में छात्र संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। महाराजा कॉलेज में 10,266 मतदाता, महाराजा लॉ कॉलेज में 760 मतदाता, जगजीवन कॉलेज में 4,187 मतदाता, वीकेएसयू पीजी विभाग में 2,974 मतदाता, एसबी कॉलेज में 7,805 मतदाता, महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय में 5,043 मतदाता, जैन कॉलेज में 9,177 मतदाता छात्रों के चुनाव में पर भाग ले रहे हैं। चुनाव हो रहा है लॉ डिपार्टमेंट में, इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है काफी लंबे अरसे बाद, कैसा स्थिति है अभी? हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। लड़के एकदम अनुशासन में रह के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इतने सालों के बाद छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है मत देने के लिए। सामने लगा हुआ है, नोटिस चस्पा किया गया है पुराने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने। हर एक जगह पर कुल 6 जगह पर चुनाव हो रहा है, 6 जगह पर हम लोगों ने रात कब तक चलेगी ये मतदान? 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। कल काउंटिंग है, फिर वही। अभी कहीं कोई सूचना ऐसी नहीं मिली? नहीं, अभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है।